एक बार हनुमान जी के मन में थोड़ा सा अहम आ गया कि देखो मैंने अकेले ने लंका फूंक डाली, विपक्ष में सब थे, दुनिया भर के बड़े बड़े योद्धा और मैं इधर अकेला था, मैंने लंका फूंक दी। राम जी तो भगत का अहंकार छोड़ते नहीं, राम जी को पता चल गया कि हनुमान को अहंकार आ गया, तो अंतर्यामी भगवान अनजान से बंद करके हनुमान से कहते, हनुमान एक काम करना है, जाओ दक्षिण दिशा में एक पर्वत मिलेगा, उसमें गुफा होगी बहुत बड़ी, उस गुफा के अंदर जाओ और थोड़ा सा 5-4 मिनट वहां बैठो, देखो क्या हो रहा है वहां, और उसके बाद वो समाचार मुझको दो। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु। जो एड्रेस प्रभु ने दिया एड्रेस के अनुसार पहुंच गए और गुफा में प्रवेश किया, और जो ही गुफा में प्रवेश किया वहां देखा अनेक हनुमान जी बैठे थे, पंचायत हो रही थी हनुमानों में, कोई पंचमुखी हनुमान, कोई सप्तमुखी हनुमान, कोई 3 मुखी हनुमान, कोई 2 मुखी हनुमान, किसी की छोटी सी पूंछ, किसी की लंबी पूंछ, को कोई 5-5 पूंछ वाले भी थे, और एक से एक हट्टे कट्टे सब हनुमान जी। तो राम जी ने कहा था देख क्या ना वहां क्या हो रहा है, वो सब समाचार फिर मुझको सुनाना। तो हनुमान जी रुक के देख रहे हनुमानों को, वो परस्पर बातें कर रहे हैं, कान लगा के बातें सुन रहे हैं। बातें क्या हो रही थी, उनमें से एक हनुमान बोला कि जब मैं लंका गया था तो मैंने एक फूंक में लंका को जला दिया, एक बार ऐसे किया लंका जल गई। हनुमान जी ने सोचा रही है और बड़ा गजब का हनुमान, लेकिन ये झूठा है, लंका तो मैंने जलाई, ये क्या कहता है, लंका तो मैंने जलाई, हनुमान तो मैं। इतने में दूसरा बोला अरे जा तूने तो फूंक में जलाई, मैंने तो हुंकार से जला दी, मैंने ऐसे किया था, इतने में आग लग गई, हुंकार से जला दी मैंने। तो अलग अलग हनुमान अलग अलग महिमा गा रहे हैं लंका जलाने की, लेकिन हनुमान जी को लगा सबसे कम तो पावरफुल मैं ही रहा, मैं ही। अंतिम हनुमान जी से पूछ लिया क्यों भैया तुम अभी नए नए आए, कहां से आए, कौन से ब्रह्मांड से आए और तुम किस कल्प के हनुमान हो, जरा बताएंगे तुमने लंका कैसे फूंकी। तो हनुमान जी ने कहा मैंने तो पूंछ से फूंकी। कहता बैठे बैठे इतने में दूसरा हनुमान बोला मैंने तो जब लंका में रावण ने पूंछ में आग लगाई थी ना, मैं कहीं भी नहीं गया, बैठे बैठे पूंछ घुमा दी। हनुमान जी ने कहा मैंने बैठे बैठे तो नहीं, मैंने तो हर घर में घुस घुस के लंका जलाई। कहते बड़ी मेहनत करनी पड़ी, तुम्हारे पास में इतनी पावर थी जो तुमको घूमना पड़ा इतना, मैंने तो बैठे बैठे झाड़ू लगा दिया पूरी लंका में पूंछ को घुमा के। और वो बोले उनमें एक हनुमान कि एक ब्रह्मांड नहीं अनंत अनंत ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड का अलग अलग काल है, हर ब्रह्मांड में राम अवतार होता है, हम अमुक ब्रह्मांड के हनुमान है, हम अमुक ब्रह्मांड के हनुमान है, हम अमुक ब्रह्मांड के हनुमान। हनुमान जी समझ गए मैंने जो अहम किया था, अहंकार किया था कि देखो इतने थे सामने लंका में दुश्मन सब और मैं अकेला, और मैंने फूंक डाला पूरी लंका को, लेकिन यहां तो एक मुझसे भी आ गया बड़े बड़े हनुमान। वापिस गए राम जी के पास, क्योंकि राम जी ने कहा था कि देख क्या वहां क्या चर्चा चल रही है। राम जी के चरणों में गिर गया, प्रभु आप मेरे मन की जानने वाले, मेरे अंतःकरण में बैठे आप सब जानते हैं, मेरे मन में अहम आ गया था कि मैंने अकेले ने लंका जला दी, लेकिन वहां तो बड़े बड़े हनुमान हैं। तब राम जी कहते हैं हनुमान तुम्हारे अहंकार का नाश करने के लिए मैंने ये खेल किया, अनंतानंत ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में मेरे हर रोज किसी ना किसी ब्रह्मांड में अवतार होते रहते हैं, हर जगह कहीं कोई हनुमान बनता है, कहीं कोई हनुमान बनता है, और यहाँ तुम हनुमान बने, तुम शिव के रूप हो, शिव के अंश से प्रकट हुए हो, इस ब्रह्मांड में शंकर जी हनुमान बने हैं एक रूप से, किसी ब्रह्मांड में कोई हनुमान बनता है, किसी ब्रह्मांड में कोई हनुमान बनता है। कहा प्रभु मेरे पास तो कुछ कुछ भी शक्ति नहीं थी। भगवान ने कहा देखिए शक्ति तो किसी भी हनुमान में नहीं है,
वहाँ जो बड़े बड़े हनुमान देख के आए, वो सब जगह मेरी ही शक्ति काम करती है। मैं जिसको जितना काम जिससे लेना हो, जिस प्रकार से लेना हो, उतनी पावर दे देता हूँ और उस ढंग से उसकी बुद्धि को मैं प्रेरित कर देता हूँ। खेल तो सारा मेरा ही होता है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरा अहंकार मिट गया। वैसे तो पहले से मेरी मान्यता है सब कुछ आप ही करते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा माया आ गई थी, अब आपने खेल किया।